हेलो एंड वेलकम टू सैपर वर्ल्ड। तो आप लोगों को मालूम होगा कि एप्पल अपने एआर ग्लासेस निकालने वाला है, बट क्या आपको मालूम है कि शायद ये एआर ग्लासेस आईफोन को रिप्लेस कर दे। तो फटाफट देखते कि एआर ग्लासेस के क्या फीचर है ऐसे कि हम आईफोन से उसे कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करता हूँ, ऑब्वियसली जो एआर ग्लासेस है स्टार्टिंग में जब भी आएंगे तो आपके आईफोन से कनेक्ट होंगे ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है डिस्प्ले कर सके, जैसे कि मेल्स, इमेजेस या फिर जो भी दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो सब। बट जैसे कि आपने गूगल ग्लासेस में देखा होगा कि जो इन्फॉर्मेशन या फिर दूसरे एयर ग्लासेस में देखा होगा इन्फॉर्मेशन आपके लेंस के ऊपर आती है, बट उसमें क्या दिक्कत है कि दूसरे लोग भी देख सकते कि आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे प्राइवेसी इन्वेस्ट होती है हमारी। तो ऐसे टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि एप्पल जो है कोई न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, कोई प्रोजेक्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है जिससे जो इमेजेस है वो डायरेक्ट आपके आंखों के अंदर प्रोजेक्ट करी जाएगी, जिससे आपको आंखों के अंदर डायरेक्टली दिखेगा। इससे एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपने देखा होगा लोग बोलते होंगे कि जब वी आर हेडसेट्स पहनते हैं कि उनका सर दुखता है, थोड़ा डिजी फील होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्रीन दम आपके आंखों के पास में होती है और आंखों को बहुत स्ट्रेन होता है जब भी उतना पास में फोकस करता है, बट जब लाइट डायरेक्टली आपके आंखों में जाएगी तो एक बड़ा ही नेचुरल वे से जाएगी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसी रीजन से जो एयर ग्लासेस रहने वाले हैं उसको ऐसे ट्रांसपेरेंट रहने की जरूरत नहीं, हम टिंटेड ग्लासेस भी यूज करते हैं और प्लस जो इमेज रहेगी हमेशा फोकस में रहेगी। ये जो फीचर क्या बोला, ये मे बी जो इनिशियली फर्स्ट जनरेशन है उसमें तो नहीं आएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि जो सेकेंड जनरेशन वाले जो रहेंगे उसमें ये आपको फीचर मिलेगा। एआर ग्लासेस जो भी लोग पहनेंगे, जैसे कि अगर मेरे को ग्लासेस है तो मेरे को अपने ये एक्चुअल रेगुलर ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एयर ग्लासेस ऑटोमेटिकली मेरे आंखों के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, जिसके वजह से मेरे को मेरे ये ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे एयर ग्लासेस में सारा काम हो जाएगा। प्लस ऐसा बोला जा रहा है कि जो एयर ग्लासेस है उससे हम एक्चुअली अगर कोई सॉलिड बैकग्राउंड में है और हम उसे देख रहे हो तो उसका बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे हमारे सिर्फ ग्लासेस से, जो कि अनदर बहुत ही अच्छा फीचर है। और एक और ये आ रहा है कि हम अंधेरे में भी बहुत अच्छे से देख पाएंगे इस ग्लासेस के थ्रू, क्योंकि इसमें कोई डेप्थ सेंसर रहने वाले जिसके वजह से हमें बहुत ही मदद मिलेगी अंधेरे में देखने के लिए। इसका एक और अमेजिंग फीचर आई थिंक एआर और वीआर में होता है कि हम टेलीपोर्ट कर सकते कहीं भी, टेलीपोर्ट नहीं लेकिन हम जहाँ चाहे वहाँ देखने जा सकते, चीज़ें घूमने जा सकते हैं वर्चुअली, जैसे कि हम वीआर ग्लासेस में करते हैं। आपको जैसे कि मालूम है गूगल का स्ट्रीट व्यू होता है जिससे हम पूरा स्ट्रीट का व्यू देख सकते हैं और एक्चुअल में घूम सकते हैं, लाइक चल सकते हैं। तो वैसे ही एप्पल में भी, एप्पल मैप्स में भी एक लुक अराउंड है, वो एयर ग्लासेस के लिए बोला जा रहा है और ऑप्टिमाइज करेंगे, जिससे आप एयर ग्लासेस में जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप एक्चुअल में वहाँ, स्पेशली जब वो प्रोजेक्टेड लाइट आपके आंखों में जाएगी। एयर ग्लासेस का एक और यूनिक फीचर है जो कि आप हमारे जो फिंगर मूवमेंट से, हैंड मूवमेंट से वो भी हम ट्रैक, ये जो एयर ग्लासेस से ट्रैक कर पाएंगे। ये होगा एप्पल के रिंग के जैसे, एप्पल कोई रिंग बनाएंगे जिसको आपको उंगली में पहनना होगा, जिससे हैंड मूवमेंट्स चलते एयर ग्लासेस देख सकता है, उस हिसाब से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई और आप कुछ लिखते हो हवा में, तो वो चीज़ आपको दिखेगी, आपकी हैंडराइटिंग जो भी लिखा हुआ आपको दिखेगा आपके ग्लासेस के ऊपर। जैसे कि हमारे जो वीआर हेडसेट्स में रिमोट होते हैं बट उसका थोड़ा बेटर वर्जन बोल सकते हैं, एप्पल एक्चुअली इसे प्राइवेसी आईवेयर बोल रहा है। वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब भी आप अपना फ़ोन पब्लिक प्लेस पे यूज़ करते हो कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो आपके फ़ोन में देखते हैं और हमें बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो ये प्राइवेसी ग्लासेस यानी एयर ग्लासेस क्या करेंगे, आपका जो फ़ोन रहेगा आईफोन वो ब्लर हो जाएगा और सिर्फ एयर ग्लासेस के थ्रू मदद से आप अच्छी क्लियर इमेज देख पाओगे, जो कि अनदर बहुत ही अच्छा प्राइवेसी वाला फीचर है। प्राइवेसी की बात कर ही रहे तो कैमरा जो कि सबसे ज़्यादा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, क्या इसमें कैमरा रहेगा? ऑब्वियस में कैमरा रहने वाला है, इसमें एक मॉड्यूलर कैमरा रहने वाला है, यानी कि वो कैमरा माउंट को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ जगहों पे जहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, स्टिल हम अपने हमारे ग्लासेस तो एटलीस्ट पहन के जा सकते हैं कैमरा निकाल के, लाइक थिएटर हो गया या फिर कोई भी दूसरी जगह हो गई। प्लस ये एआर ग्लासेस में ऑब्वियसली प्राइवेसी आईवेयर बोल रहे हैं, तो जब भी आप एआर ग्लासेस की मदद से रिकॉर्डिंग करोगे तो इसके अंदर कोई लाइट रहेगी जो कि इंडिकेट करेगी बाकी के लोगों को कि एआर ग्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि किसी को कोई भी ऐसे छुपके से इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, छुपके से कोई भी गलत चीज़ें रिकॉर्ड ना करे, जो कि अनदर बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर इसकी बैटरी लाइफ की अगर बात करते हैं, ऐसा बोल रहा है मिनिमम 3 घंटे की तो बैटरी लाइफ मिलेगी, नहीं तो ये यूजलेस रहेंगे, हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट एक मूवी तो देख पाए। बट ऐसा बोला जा रहा है कि 3 से 8 घंटे के बीच की इसकी बैटरी लाइफ रहेगी। प्लस जैसे एयरपॉड्स है जिसके केस होते हैं जिसके अंदर रखने से वो चार्ज होते हैं, वैसे इसका एक केस आएगा एयर ग्लासेस है जिसके अंदर आप उसको अगर रखोगे तो वो भी चार्ज होते रहेंगे। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो ग्लासेस है 2023 तक लॉन्च हो जाएंगे, यानी जो फर्स्ट ग्लासेस आने वाले हैं। और जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये एआर ग्लासेस शायद आईफोन को कम्प्लीटली हटा दे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला आएगा उसमें तो नहीं होगा, लाइक उसमें तो आईफोन की जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे, लेकिन इसके फीचर इवॉल्व होंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि आपको आपके आईफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी एआर ग्लासेस यूज़ करने के लिए, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस।
तो इस वजह से लोग मे बी अपने एयर ग्लासेस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आईफोन के मुकाबले, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और मुझे लगता है प्राइस भी कोई सस्ती रहने वाली नहीं इसकी। आईफोन जितनी प्राइस देगी तो उससे महंगा ही रहेगा। प्लस एक और रूमर है, ये मुझे पक्का नहीं मान लेकिन रूमर चल रहा है कि जो आईफोन 14 रहने वाला है वो आखिरी आईफोन रहने वाला है। तो मे बी और एप्पल कुछ नया डिज़ाइन कर रही है, मे बी ये एआर ग्लासेस है जो कि रहने वाले है उसकी जगह रिप्लेस करने वाले है। क्या आपको मालूम है टेस्ला फ़ोन जो है वो स्टार से कनेक्ट होता है? मैंने उस पर वीडियो बनाया, आप यहाँ जाके देख सकते हो। या फिर आईफोन और एंड्रॉयड में कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, आपको क्या लगता है? ये वाली वीडियो में जाके देखें।